जी हाँ, जिस प्रकार से फ्रांस युवाओं के तरफ से एक हुंकार लगाई है भर्तियों को लेकर के, और समूचे प्रदेश में, समूचे देश में एसएससी के खिलाफ जो कहा जा रहा है कि एसएससी अब जो है एक स्कैम कमीशन बन चुका है, घोटाला कमीशन बन चुका है। जी हाँ, पिछले कई सालों से भर्तियों की जो है कि कहा जा सकता है संख्या वो लगातार जो है घटती जा रही है, और भर्तियों का जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, और सरकार ने, विभाग ने, एसएससी ने जो है इस भर्तियों को लेकर के जो है एक कमाई का एक साधन बना दिया है, उसको लेकर के जो है लगातार भर्तियों को पसंद किया जा रहा है। देखिए कुछ झलकियाँ यहाँ से। क्यों हमने 5 दिन का वक्त लिया है कि 5 दिन के अंदर हम इस पूरे देश को जगा देंगे, इस देश की मीडिया को जगा देंगे, इस देश की सेलिब्रिटीज को जगा देंगे। आवाज इतनी बुलंद होगी कि आज मिलियन ट्वीट्स होने के बाद भी अगर मीडिया इस मुद्दे पे बात नहीं करती, मीडिया अगर सरकार को अप्रोच नहीं करती कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, वैसे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि सरकार को भी पता है कि देश में ठीक नहीं चल रहा, बट ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हम किसी लॉ को वापस करने की बात नहीं कर रहे, मोदी रोजगार दो ट्विटर पे जो ट्रेन कराने को, खुद अपना काम अच्छे से करना चाहिए। उसकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारापन की वजह से आज टीचर्स को और स्टूडेंट्स को डिजिटल स्ट्राइक करना पड़ रहा है। ये एसएससी अपने आप को गजनी समझती है, मतलब जिस तरह गजनी में उसको अपना चीज भूल जाता था कुछ देर बाद, एसएससी को भी वैसे ही होता है। एप्लीकेशन फॉर्म डाल देती है, पैसे लेके फॉर्म भरवा ली, फिर भूल गए, ओ माय गॉड एग्जाम भी लेना है। एग्जाम लेने के बाद तो रिजल्ट में भूल जाती है। 4-4 साल लगता है, 2018 की चीज 2021 आ गया, अब तक फाइनल नहीं हुआ। ये एसएससी ये काम किस चीज को करने के लिए बैठे, इसका नाम ही चेंज करना चाहिए, सुपर स्कैम कमीशन। कभी इसका क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मतलब ये लोग एक अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते। अब बताइए, स्टूडेंट और टीचर को साथ दो दो समस्या है। टीचर को ये भी देखना है कि भैया हमको पढ़ाना भी है, बाद में एसएससी से लड़ाई भी करना है। स्टूडेंट के साथ नहीं समस्या है, भैया हमको दिल लगा के पढ़ाई भी करना है, फिर एक बार धांधली के खिलाफ हम लोग को आवाज उठाना है कि हमारे अभी जहां बोलेंगे गवर्नमेंट तुरंत बोल देगी अरे कोरोना था, कोरोना इसलिए हमने कोरोना को ही हटा दिया। ये कंसिस्टेंसली देख रहे हैं ना, आपको ये एकदम एक फिक्स ये घटते जा रहा है, यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है यहाँ रोजगार के लिए। तो गार्जियन को भी हम कहते हैं कि आप लोग भी मोबाइल निकालिए, ट्वीट कीजिए। अगर अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आज ही डाउनलोड कीजिए ट्विटर और आज इसे ही ट्वीट करना चालू कीजिए, हैशटैग मोदी रोजगार दो, इसको ट्रेंड कराइए तब तक जब तक कि एसएससी जो है वो नहीं सुन लेती मोदी जी की जो सलाह। अब मोदी जी को फुर्सत है कि यहाँ कौन सी दिक्कत है, एसएससी का क्वेश्चन ये तो पीएमओ का ऑफिस वालों का ना काम है, वो नहीं पहुंचाता है सब, चाहे उल्टा सीधा पहुंचा। वरना मोदी जी अगर आप भी एसएससी वालों का हाल जानेंगे ना तो फिर हम आपको ही बताते, आप भी बहुत हंसेंगे। आपको भी नहीं पता है, नहीं पता है तो जानिए, आप देश, आप ही तो बोलते हैं कि हम देश के सबसे बड़े चौकीदार है, तो आपके सामने ही एसएससी वाला कर रहा है, 2-3 लाख दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे आग बंद करके रखेंगे तो पूरी दुनिया देख रही है ट्विटर पे रोजगार मांग रहा है भाई। हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल आपने रीड किया होगा, समूचे देश में, प्रदेश में जिस तरह प्रकार से जो है युवाओं की तरफ से यूपी TSSC की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों, SSC यानी ओवरऑल कहा जा सकता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों ने जो कि हुंकार भरी है सरकार के खिलाफ, आयोग के खिलाफ, चाहे SSC हो, UP SSC हो, RRB हो, सभी के खिलाफ जो हुंकार भरी जा रही है उसमें आपका भी शत प्रतिशत योगदान चाहिए। जी हाँ, हम ऐसी हुंकार भरेंगे धरती जाए डोल, जुमलेबाजों के खिलाफ युवा हल्ला बोल। जी हाँ, इस प्रकार से सोशल मीडिया पर आप देख लेंगे, ट्विटर पर देख लेंगे, फेसबुक पर देख रहे होंगे, बेरोजगारी के खिलाफ जो एक मुद्दा उठाया गया है सभी टीचरों के द्वारा, सभी अभ्यर्थियों के द्वारा, सभी यूट्यूबरों के द्वारा, वो निश्चित तौर पर उठाया जाना स्वाभाविक था। जिस प्रकार से आयोग, चाहे वो UP SSC की हम बात करेंगे, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के जिस प्रकार से अपनी भर्तियों की शिथिलता को लेकर के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि पिछले 5-5 साल की भर्तियाँ अभी पेंडिंग है, फाइनल रिजल्ट नहीं जारी कर पा रहा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो क्या PET को लेकर के विशेष तौर पर बात किया जाए तो क्या PET को लेकर के चीज़ें आगे सही हो पाएंगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। यहाँ बात करेंगे हम कुछ भर्ती परीक्षाओं को लेकर के जिस प्रकार से, और एक ज़रूरी सूचना आप सभी छात्रों के लिए, सभी भर्तियों के लिए है। जी हाँ, वो सूचना यहाँ से है, लेकिन चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के युवाओं के संबंध में, चाहे वो किसी भर्ती के संबंध में हो, सबसे पहले खबर राहुल वाईफाई स्टेशन पर आपको मिलती रहे। बात करेंगे विशेष सूचना यहाँ से, 24 फरवरी यानी कल, आप देख सकते हैं जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए
पीटी रद्द कर तत्काल सभी विभागों के रिक्त पदों पर विज्ञापन और 6 महीने के अंदर नियुक्ति देने के लिए भर्ती कैलेंडर के लिए आर पार के संघर्ष मोड में युवा। जिस प्रकार से आपने देखा अगस्त सितंबर अक्टूबर माह में खुद माननीय मुख्यमंत्री आते हैं और वो दिशा निर्देश जारी करते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर भर्तियां पूरी कर ली जाएं, लेकिन आज आप देख सकते हैं स्थितियां क्या हैं। 4 से 5 महीना बीत गए हैं लेकिन अभी जहां की तहां भर्तियां वहीं पड़ी हुई हैं। कुछ भर्तियों को लेकर की बात आगे बढ़ी लेकिन ज़्यादातर भर्तियां अभी रुकी पड़ी हैं। उसके विरोध में 24 फरवरी यानी कल जो है बुधवार को प्रयागराज में 11 बजे बासन चौराहे पर जो है एक बड़ा आंदोलन अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है, छात्रों के द्वारा किया जा रहा है, युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप भी अपनी उपस्थिति वहां पर जरूर दर्ज कराइए। देख सकते हैं आप लोग जो एक प्रति भेजी गई है जिला अधिकारी प्रयागराज को युवाओं के द्वारा बेरोजगारों के द्वारा। विषय क्या है? रोजगार लंबित भर्तियां और रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने के सवाल पर 24 फरवरी को बासन चौराहे पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के संबंध में। देख सकते हैं आप लोग महोदय रोजगार के मुद्दे पर 17 सितंबर 2020 को बासन चौराहे समेत देशव्यापी आंदोलन के बाद माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में सभी रिक्त पदों को 6 महीने के अंदर भरने की घोषणा पर रात्रि भर भी अमल न होने से युवाओं में रोष व्याप्त है और युवाओं को जिस प्रकार से चूतिया बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। यहां देख सकते हैं छात्रों द्वारा बालसन चौराहे पर 24 फरवरी को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन बड़े स्तर पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है जिसमें प्रदेश भर के छात्र शामिल होंगे। महोदय आपके माध्यम में हमें कई बार छात्रों की मांग से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया जा चुका है। पुनः प्रमुख मांग पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ, कृपया इन मांगों को हल करने के संदर्भ में शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 24 फरवरी को 5 बजे तक आंदोलन के दरमियान अवगत कराने का कष्ट करिए। आप देख सकते हैं जो प्रमुख मांगे हैं भर्तियों के द्वारा, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग जो है बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, अधीनस्थ सेवा चयन के 50,000 की भर्तियों के संबंध में, तकनीकी संवर्ग में तकरीबन 1,00,000 रिक्त पद जो टेक्निकल टाइप की भर्तियां उनको जारी करने के संबंध में, UBPCL की भर्तियों को लेकर के, उपरोक्त प्रदेश में सभी भागों में समस्त रिक्त पदों का तत्काल विज्ञापन जारी करने के साथ ही 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कैलेंडर भी जारी किया जाए और सभी लंबित भर्तियों को इस समय अवधि के पहले हर हाल में पूरा कर लिया जाए। TG 2016 के सामाजिक विज्ञान, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये नोटिस आज जो है अभ्यर्थियों के द्वारा देख सकते हैं आप लोग ये जारी किया गया है और लगातार इसको लेकर के जो है प्रतिया जो है सोशल मीडिया पर वायरल कराई जा रही है अभ्यर्थियों की तरफ से। जिस प्रकार से समूचे देश में जो है टीचरों के द्वारा, सभी यूट्यूबरों के द्वारा एक जो है मुहिम चलाया गया, उसमें 100% आपका योगदान चाहिए। आप लोग अगर वहाँ जा नहीं सकते हैं तो कम से कम इन चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रचार करिए सोशल मीडिया पर, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि युवाओं की बात सरकार के कानों तक जरूर पहुँचे। आई होप ये आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं हम जैसे ही कुछ और अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।